बजट पेश किया जाता है ना, उसमें आवाम का ख्याल रखा जाता है। इसमें खाली टैक्सेस के अलावा कोई नज़र ही नहीं आया। बजट आता है ना तो 2 रुपए कम होते हैं और उसके चंद दिन बाद जो है 50 रुपए बढ़ जाते हैं। सब गरीब बंदे रुल गया है बस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सी टीवी, मैं हूं इनाज मूसवी, प्रोग्राम है फ्रीडम ऑफ वॉइस। नाजरीन, वफाकी बजट अनाउंस कर दिया गया, टैक्सेस का भरमार है और ख़ासकर नॉन फाइलर्स के लिए एक बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। आइए आवाम से जानते हैं कि वो इस बजट के हवाले से कितने पुर उम्मीद नज़र आते हैं। हुकूमत का दावा ये है कि ये बजट खालिसतन आवाम दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं जी, बोलिए। तबीयत ठीक है? बजट आ गया माशाल्लाह। सर वो क्या फ़र्क पड़ता है, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, मुझे बताइए क्या होता है। तो कहते हैं ये बजट हमने आवाम के लिए पेश किया है, आवाम की मुश्किलात को आसान करने के लिए हमने। देखिए ऐसा होता नहीं है, कहते तो हैं, क्या कुछ कहा जाता और क्या होता है ये तो आपको ही मालूम है। गलत बात है ये जो मैं कह रहा हूँ, गलत है ये, सही है। नहीं, आपकी बात 100% दुरुस्त है। तो आप ये सोच लें, अगर बेहतर है तो अच्छा, भी इसके लिए दुआ करें कि अच्छा, अगर बेहतर हो आवाम के लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो। वैसे माजी के तजुर्बात को देख के क्या लगता है? बहुत मुश्किल है, जो हालात हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुने बात सुनो, हमने तो टके का ज़माना देखा है। आए, आए, आए। एक पैसे का ज़माना देखा है, 1 रुपये के 16 पैसे 100 पैसे वो ज़माना देखा है, और 1 रुपये शेर दूध लाया करते थे। हाँ, वो भी देखा नहीं, लाता था मैं 220 रुपये किलो दूध का ज़माना भी देख रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं है, दूध है या क्या है ये भी नहीं पता, ये फार्मूले कुछ भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया। क्या क्या महंगा होने जा रहा है बजट अनाउंस होने के बाद? बस अभी तो चीज़ें नॉर्मल रेट में हैं, अभी तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है। जैसे हमारा तो होलसेल का काम है ना, हम तो जैसे कि 250 रुपये लिखे हुए, तो वो चीज़ हम 210-220 में चलाते हैं, तो इसी हिसाब से। कॉस्मेटिक से लेकर जो बाहर से आने वाली चीज़ें उन पर बहुत टैक्स लगा। अभी तो तमाम चीज़ों पर जो सरफ वगैरह हैं इन पर चीज़ रेट कम हुए हैं, जैसे सरफ़ हो गए, साबुन हो गए नहाने के, या ये टूथपेस्ट वगैरह हो गए, इन पर सब चीज़ों पर रेट कम हुए हैं। बाकी ये दूध वगैरह ऊपर जा रहा है ईद की वजह से, या कुछ क्या मसला है वो अलग है। बजट अनाउंस हुआ है, अभी जो टैक्स लगे हैं उससे तो लग रहा है कि ये शैम्पू के रेट भी बहुत हाई हो जाएंगे। अभी चीज हो गई है, मगर आवाम की कुव्वत खत्म हो गई है, आवाम बेचारी तंग हो गई है चीज से कि यार आखिरी ये चीज कहाँ जाके रुकेगी। कल देख के तो नहीं लगता कि तंग आए हैं? तंग आ गए ना सर। कितने का इनका महीने का बनता था? 14 महीने का बनता था किसी ज़माने में, ये आते थे 15,000-20,000, और आज ये राशन निकलवा रहे हैं तो बड़े सोच सोच के ले रहे हैं कि यार ये चीज़ लेनी चाहिए नहीं। 20,000 रुपये में सारा कुछ आ जाता, सारा कुछ आ जाता था, और आज इनसे पूछें कि इनका किस क्या कंडीशन है इनकी। आपके घर की बजट की है आप उनसे कर लें बस, यही मसला है ना, हर आदमी महंगाई से वो 1 किलो लेते थे 100 रुपये की ले रहे हैं यार, ये कितना फ़र्क आ गया बताएं आप। ये सोचें, कहाँ एक झंडा लेते थे 1 पैकेट ले रहे हैं ये, कहाँ ये 5 किलो दाल जाती है महीने की, 1 किलो भी नहीं जा रही। हर बंदा परेशान, हर बंदा परेशान। असल में पहले अच्छा खासा राशन 5,000 रुपये में अच्छा खासा राशन आ जाता था, अब 5,000 रुपये में इतनी सी शॉपर आ जाती है, वो भी 7-8 हज़ार रुपये की होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद आप मार्केट में घूम रहे हैं। बजट आ गया, मिल गया आपको? मैं तो सिलाई का काम करता हूँ भाई। बजट तो बजट आ गया होगा तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हाँ, बजट तो मिल जाएगा, वहाँ मिलेगा तो हम भी खड़े हुए हैं लेने के लिए, जब मिल जाएगा। मिलेगा अंदाजा कुछ है? पता तो कोई नहीं है अभी तक कहाँ से मिलेगा। ये हाल है नाज़रीन, पाकिस्तान के इसी तरह की एक बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, जो बेखबर है, बहुत मासूम है, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि बजट होता क्या है, वो समझते हैं शायद कोई डब्बे में बॉक्स की शक्ल में मिलता होगा। हाँ यार, क्या हाल है? बजट आ गया, मिल गया आपको? नहीं मिले। नहीं मिला आपको? किस चीज़ का बजट? बजट गवर्नमेंट ने बजट दे दिया? नहीं, हमें तो किसी चीज़ की मालूम नहीं, हम तो मजदूरी में होते हैं सारा दिन। हाँ, क्या मजदूरी करते हैं? मिस्त्री के साथ मजदूरी करते हैं। तो आपको नहीं पता बजट का? नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं हमें, हम सारा दिन काम में गुजारते हैं। नहीं पता चला? नहीं पता चला। कह रहे आवाम को हम दे दिया, अभी इस दफ़ा हमने आवाम को बहुत अच्छा बजट दिया। नहीं, हमें तो किसी चीज़ का बजट नहीं मिला, हम तो काम में मसरूफ होते हैं सारा दिन। तो शायद घर पे आ गया हो? नहीं, हमारा घर गांव में, इधर नहीं है।
गांव के पता किया, गांव पे तो नहीं आया? नहीं, उधर भी नहीं आया। आपके घर आ गया बजट? हाँ। अच्छा। महंगाई हो गई है और ज्यादा। कितनी हो गई है? 100 से ज्यादा हो गई है। तो केले महंगे बेचोगे? केले तो बिक नहीं रहा बजट की वजह से। बजट आउट हो गया। सब गरीब बंदे रुल गया है बस। हाँ, ये जो हुकूमत है ना, ये सारे चोर हैं बस। चला जाना चाहिए इनको, घर जाना चाहिए। घर नहीं, कब्रिस्तान जाना चाहिए इनको। कौन से कब्रिस्तान? गोरा कब्रिस्तान। ये फ्लॉप है भाई, ये आए रोज महंगाई। अब बताएं, 700-800 वाला बंदा क्या करे? खाना खाए, घर भेजे, बस खत्म हो गया कहानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? बहुत परेशान दिख रहे हैं। अरे परेशान नहीं थे, बजट तकरीर सुन लिया? अरे बजट कहाँ, बजट की बात ही नहीं है भाई। ऐसी आए चक्कर आ रहे थे, बिठ गए इनके। अब आप आकर इंटरव्यू ले लें तो हम क्या इंटरव्यू देंगे आपको भाईजान। बजट तकरीर सुनी आप? नहीं भाई, कुछ भी नहीं सुना अभी तो हमने। कुछ नहीं सुना? टेंशन फ्री है इसका मतलब है आपको? टेंशन फ्री? किसको टेंशन नहीं है इस दौर में मेरे भाई? सबको टेंशन है मेरे दोस्त। गरीब को सब में ज़्यादा टेंशन है। टेंशन कौन दूर करेगा? पैदा ही टेंशन के साथ हुआ। हाँ, गरीब का कोई परेशानी हाल नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजट मिल गया तुम्हें? बजट तो मिल गया, ऐसा बजट मिला, अभी मिलेगा ना, कुछ दिनों बाद मिलेगा बजट। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो है तारीख में जो है ना, बड़ी ख़ास बात है कि जब बजट आता है ना तो 2 रुपये कम होते हैं और उसके चंद दिन बाद जो है 50 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ये अब देखें ना, मैं गवर्नमेंट ने यही किया हमारे साथ लॉलीपॉप। हाँ, हमेशा से हुआ चीज़ों में कमी की, बजट से 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले। जी ऐसा ही होता है, लगा दिए टैक्स। अभी पेट्रोल देखिए ना, कम हो गया है। अब चंद दिन बाद आप देखिएगा पेट्रोल की कीमतें कहाँ जाएंगी। उसकी लेवीज इजाफा कर दिया, 60 रुपये लगा दिए पर लीटर। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी हाँ, लेकिन काम क्या कर रहा हूँ आपके सामने, CMSL कर रहा हूँ, एक्टिवेटर हूँ इस वक्त। जॉब नहीं है, बहुत जगह पे अप्लाई करा लेकिन नहीं मिलती है जॉब, कहीं भी नहीं मिलती। किया आपने सॉफ्टवेयर? जी ये मैंने प्राइवेट किया था। जी सर, और इसके अलावा प्रैक्टिकल जो है मैंने 12 साल काम किया है, ये लैपटॉप प्रिंटर कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह का जो है रिपेयरिंग वगैरह का काम, सेल्स का काम करता था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये नौबत आ गई है कि आपके सामने है सारा दारू मदार के रोडों पर घूम के काम करना पड़ रहा है। हमें रोज़गार जो है फराहम करने के जो है वादे तो बहुत होते हैं लेकिन रोज़गार नहीं है। क्या सूरताल दे रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट के होते हुए आवाम का? मुस्तकबिल तो देखिए कि जो भी गवर्नमेंट आती है हमारे लिए, देखें बेहतर वो गवर्नमेंट है जो हमारे को काम करके दे, हमारे काम आए, हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचे, फ्यूचर के बारे में सोचे, महंगाई ख़त्म करे, वो सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक। बजट मिल गया बाबा आपको? कौन सा बजट? गवर्नमेंट ने भी जो दिया है, सुना है गवर्नमेंट ने सब आवाम को, गरीब आवाम को बजट दे दिया। अच्छा, ऐसा आवाम को बजट नहीं चाहिए। कितना पेट्रोल डलवाते हैं? जब जितना का जरूरत होती है। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने वाला है? पेट्रोल महंगा होने वाला है। अल्लाह बेहतरी करे सबके लिए भाई, इधर सब कुछ ही महंगा हो रहा है भाई। जिंदगी भी महंगी है, अब जिंदगी भी सस्ती नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। बजट आ गया? जी बजट आ गया। नहीं अभी मैंने नहीं सुना के नहीं बनी है। नहीं अभी मैंने नहीं सुना, आप ही के मुँह से सुन रहे हैं। बताएं क्या तवक्को करें? गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत अच्छा बजट हमने दिया है, आवाम दोस्त बजट। चीजें तो कम हुई है, अभी रेट बहुत कम हुए हैं। लेकिन इस बजट में जितने टैक्सेस लगे हैं, वो टैक्सेस लगे तो इन लोगों ने सब कर लिया ना, कवर जितना आपको रिलीफ दिया था 2-3 हफ्ते का, वो इन्होंने कर लिया। हाउसवाइफ हैं? गवर्नमेंट जॉब कोई जॉब वगैरह? आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? अपना काम करते हैं जी। अच्छी बात, अपना काम। तो गज का बजट अब कैसे मेंटेन होगा? वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, फिर अब टैक्सों की भरमार लगी है। ये कि चीज़ें शॉर्टलिस्ट होंगी और क्या हो सकता है। अरे चीज़ें जब महंगाई बढ़ गई है तो चीज़ें शॉर्टलिस्ट होंगी ना। इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देखती है? इस हुकूमत की मौजूदगी में आपका मुस्तकबिल क्या है? इस मुराद आवाम, आम आवाम का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी फौज के हाथों में तो कुछ भी नहीं हो सकता।
ये हुकूमत फौज के पास है, हम इसके पास नहीं है, जो बने हुए हैं ना उनके पास कुछ भी नहीं है, फौज के पास हुकूमत है। वज़ीर आज़म साहब ऐसे ही हैं जी, वो सब एक ही थाली के हैं। थैंक यू। पीटीआई का शऊर, ये पीटीआई ने शऊर दिया है? कुछ ही, किसी ने शऊर नहीं दिया, ये आम पब्लिक है। सलाम शऊर देगा बस मेरे भाई, ये आम पब्लिक है, शऊर किसी ने नहीं दिया, ये आम है जो उठ के आ रहे हैं। जब हम बात आवाम की करते हैं तो आम आवाम किसी खाते में नहीं होते हैं, लेकिन जब आप रेड़े पे आके आम को देखते हैं ये बड़े खास हो जाते हैं। पता नहीं यार, तुम्हारे इतनी गहरी बात कर दी यार, तुमने नज़रअंदाज कर दिया। मैं ऐसे ही नज़रअंदाज कर देता हूँ, ज़्यादा गहरी बातें यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? लगा शुक्र, खैरियत से हैं। बजट तकरीर सुनी आपने? नहीं नहीं, नहीं। खबरें पहुँची आपके पास? हाँ। अच्छी खबरें बुरी खबरें? अच्छी है। अच्छी है, इसका मतलब है अब सस्ता होने जा रहा है सब कुछ। अब क्या चीज़ सस्ती होगी बता दें? आपके लिए अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर तो नहीं आई है, महंगाई पे तंस किया है। महंगाई है, महंगाई भाई। जनाब आइए, ये IMF का बजट है जी, ये हमारा बजट नहीं है पाकिस्तान का। नहीं जी, देखें अगर जो बजट पेश किया जाता है ना उसमें आवाम का ख्याल रखा जाता है, इसमें खाली टैक्सेस के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। एक आम आवाम को क्या रिलीफ मिला है? अब हुकुमरानों ने हमारे यहाँ उजरत लिखी है, रखी है 37,000। क्या 37,000 में एक घर चल सकता है? मेरा सवाल है। हम ये टैक्स अदा करें, बिजली के बिल अदा करें, गैस के बिल, तो हमें तो इस चक्की में पीस दिया, और 37,000 में समझा गरीब मर ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता। कम अज़ कम एक रिलीफ तो देते ना आवाम को, सैलरी इस महंगाई के हिसाब से रखते। ये तो ऐसा लग रहा है कि टैक्स निफाज हुआ है, बजट नहीं टैक्स का निफाज। वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे कि इस अगर मुल्क को चलाना है तो फिर आवाम को कुर्बानी देनी होगी। देखिए मैं समझता हूँ आवाम तो कुर्बानी देती भी चली आई है और दे रही है, लेकिन हुकुमरानों को अपने अखराजात पे कंट्रोल करना चाहिए। शाही खर्चियाँ या अशराफिया ने जो अपना आवाम का पैसा लूट मार कर बाजार से गर्म कर रखा है, अपनी गाड़ियाँ अपने प्रोटोकॉल इसमें कमी ले आएँ, आवाम कब तक पीसेगी? इन लोगों को भी तो ख्याल होना चाहिए, थोड़ी कुर्बानी हमारे हुकुमरान भी दे दें। इनके जो जायदाद हैं दुबई में अमेरिका में, वो जायदाद बेच के पाकिस्तान में लाएं, आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम IMF से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज के बदले फिर आवाम को अपनी कीमत चुकाना पड़ रही है। बिल्कुल ठीक। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर ख़ज़ाना साहब वफाकी बजट अनाउंस करते हुए कह रहे थे कि आवाम को कुर्बानी देनी होगी अगर मुल्क को आगे लेके जाना है। ये मेरे ख्याल में 75 साल से यही लफ्ज़ बोले जा रहे हैं हर साल कि आवाम को कुर्बानी देनी होगी। कोई इनसे ये पूछने वाला नहीं है कि उमराओं को कब कुर्बानी देनी होगी, ब्यूरोक्रेट्स को कब कुर्बानी देनी होगी, गवर्नमेंट को कब कुर्बानी देनी होगी। वो कौन सा ज़माना आएगा जब वफाक में 5 वज़ारतें होंगी जो दुनिया का एक स्टैंडर्ड होता है? वो कौन सा वक्त आएगा कि जब आप अपने अखराजात, आप इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंट हाउस, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस इतने बड़े बनाकर बैठे हैं, एक आदमी 50,000 कमाता है तो छोटा कर रखता है ना भाई। आपका मुल्क भी गरीब है तो आपको भी चीज़ें छोटी रखनी चाहिए। प्रेसिडेंट हाउस भी छोटा होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी छोटा होना चाहिए, वज़रा की चीज़ें भी छोटी होनी चाहिए, उनके ऑफिसेज भी छोटे होने चाहिए। ये मुल्क को का बड़ा गर्क करने की असल वजह ये है। आप जब तक यहाँ से काम नहीं शुरू करेंगे आपके मामला सही नहीं होंगे। आपने जिस दिन ये काम शुरू कर दिया, 1300 cc से ज़्यादा गाड़ी अलाउ नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा गाड़ी ना हो, गाड़ी सिर्फ टाइमिंग में चले, वो जो टाइम होता है जो कि ऑफिस उस टाइम का सिर्फ पेट्रोल मिले, आप देखें कैसा मुल्क सही नहीं होगा। आवाम तो बेचारी कुर्बानी दे रही है 75 साल से, 75 साल से आवाम कुर्बानी दे रही है। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। नो कमेंट्स जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आ गया, वो आ गया शाहकार जिसका इंतज़ार था। जी जी। खुशफहमी भी का शिकार है यार? खुशफहमी तो कभी रही नहीं यार, 75 साल हो गए कभी खुशफहमी नहीं रही और ना ही खुश हुए। टेंशन क्यों पाले इंसान? क्यों टेंशन पाले, खुशफहमियाँ पाले? एग्जैक्टली डिप्रेशन का शिकार? डिप्रेशन तो एक बीमारी है, पर हमारे वालों ने उस बीमारी को ना ये कह दिया कि ज़िंदगी भर पाल के रखें। आप वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे कि अब कुछ करना होगा। सो रहे थे क्या?
अगर 75 साल थे कुछ करना ही था तो अगले 25 साल भी दे दिए, मुझे नहीं लगता कि फिर शायद कुछ ऐसे अल्फाज तल्क अल्फाज निकल जाएंगे बाद में, होगा ये कि बहुत सारी चीज़ें होंगी। रहने दे यार, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान का आवाम का आवाम भी बेहिस है, घर से निकल जाए तो शायद सब कुछ चेंज हो जाए, पर हम लोग खुद भी नहीं निकलते, ना चाहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा भाई फिर सब लोगों को। बजट अनाउंस होने से पहले पेट्रोल सस्ता हो गया हम बहुत खुश हो गए, दालें सस्ती हो गई हम बहुत खुश हुए, प्याज सस्ती हो गई हम खुश हो गए, टमाटर सस्ता हो गया हम बहुत खुश हो गए। उसके बाद कल जो बजट आया है, हार्ट अटैक होने को है मेरा तो। नहीं, असल में ये बजट जो कल आया है ना, ये मालूम था कि ऐसे ही आएगा। अच्छा। इसीलिए आपको तो हो गया होगा हार्ट अटैक, इसलिए कि आपको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन हमें अंदाज़ा है। अच्छा। हमें अंदाज़ा है कि बजट ऐसे आना था, तो यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर तो हुआ नहीं, इसलिए कि पहले से मालूम था। कुछ नया नहीं है, वही पुराना है। लेकिन सब टैक्स हद से ज़्यादा लगा, बिल्कुल हद से ज़्यादा लगा दिए। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे बजट 2024 और 25 की, जो वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया, और इस बजट में टैक्सों की भरमार है, और यकीनी तौर पर जब टैक्सेस का नफाज होता है, टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो फिर अफरात ज़रबे भी कमी आती है, महंगाई की शरह में भी इजाफा होता है। और आवाम का भी यही कहना है कि माजी के हवाले से अगर हम माजी के तजुर्बात को सामने रख कर देखें तो इस टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि ख़ासकर जो नौकरी पेशा हैं उन पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है, और ख़ासकर वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जानिब से ये कहना कि मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, मुल्क को चलाना है, तो आवाम को कुछ करना होगा, आवाम को क़ुरबानी देनी होगी। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आवाम तो 76, 77, 78 बरसों से क़ुरबानी देते हुए आ रही हैं, एक बार आप लोग हिम्मत कीजिए, आप क़ुरबानी दे दें, आप वीगो रिवो और जो लग्ज़री गाड़ीज़ हैं उनसे अगर आप नीचे उतरें, थोड़ी सी महरान कार इस्तेमाल करें, तो शायद मुल्क तरक्की कर जाए। एक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब इंसान की आमदनी कम होती है, वसाइल कम होते हैं, गरीब होता है, तो वह लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने अखराजात को भी कम करता है, छोटे से घर में रहता है, महदूद बजट बनाता है, छोटी गाड़ी इस्तेमाल करता है। तो मुल्क भी, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, गरीब तरीन मुल्क है, तो उस गरीब तरीन मुल्क के वज़ीर आज़म का घर भी छोटा होना चाहिए, उस गरीब तरीन मुल्क के सदर का घर भी छोटा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सदर और वज़ीर आज़म के जो घर हैं वो महल हैं, महल किसी बादशाह के महल लगते हैं, और क़ुरबानी आवाम को हर हमेशा की तरह देनी है और देते हुए आ रहेंगे, और इसके असरात यकीनी तौर पर आवाम पर पड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो महंगाई का तूफ़ान हमें नज़र आएगा। आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान नाज़िम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।